अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम एपटेक विजन के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे एक स्टूडेंट ने घर की गार्डनिंग और अपनी जो एग्रीकल्चर है उसके हवाले से एक प्रोजेक्ट बनाया है। इनसे तारुफ भी लेते हैं और पूछते हैं ये क्या प्रोजेक्ट है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मरियम रहमान है और मैं एपटेक गुलशन की स्टूडेंट हूँ। ये क्या प्रोजेक्ट है आप? इस प्रोजेक्ट का नाम ऑटोमेटिक वाटर प्लांटिंग सिस्टम है। क्या करता है ये? सेंस करता है कि हमारे सॉइल के अंदर कितना पानी मौजूद है। अगर 50% से कम है तो ये पानी देना शुरू कर देगा, और 50% से ज़्यादा है तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इस सेंस का सिर्फ उतना ही पानी देगा जितना पौधे को ज़रूरत है, ना ज़्यादा ना कम। इससे आपकी पानी की वेस्टेज भी नहीं होगी। मेरा रियल मकसद बनाने का ये था कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने जो हमेशा हर थोड़ी देर में पानी देते रहते हैं, अगर हम ये टेक्नोलॉजी वहाँ लेके जाते हैं तो उनकी इसमें बहुत फ़ायदा होगा। वो अब जो उसमें ये काम वो उनके लिए काम करता रहेगा, लेकिन उसके लिए हमें हायर लेवल। लेकिन मुझे ये बताइएगा, जैसे हम एक अपने घर के गार्डन के अंदर ये लगाते हैं, एक पौधे को 50 से नीचे चला गया, एक के पास अभी 60 है, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? तो उसमें सेंस करते रहेंगे ना, सेंसर अगर उस पौधे को ही देगा। हाँ, उस पौधे को उस दूसरे की दूसरे को अलग उस पर देगा, दूसरे को जिस जितनी की जरूरत है वो उसको उतना देगा, पहले को जितनी की जरूरत है उसको उतना देगा। अच्छा, अभी आपने किसी घर के अंदर इसको लगाया है? इसको ये मैंने अपने घर में ट्राई करा है। तो कितना खर्चा आया आपने? ये मैंने ये बनाने में 2000 रुपीज़ आए, और घर में इसको इम्प्लीमेंट करने में सेम अमाउंट। अच्छा, सेम अमाउंट 2000 रुपीज़ में पूरा घर आपका जी ऑटोमेटेड हो गया? ऑटोमेटेड हो गया। अच्छा, तो इसमें खुद ब खुद ही मोटर चल जाती है? खुद ब खुद ही मोटर, ये बैटरी ऑपरेटेड है तो ये खुद ब खुद ही मोटर जा इसमें लगा के कर रहे हैं। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि गाँव में तो बिजली नहीं होती। उसके लिए हाँ है कि आप सोलर पैनल लगा सकते हैं, और सोलर पैनल भी ऐसा कि सूरज की रोशनी जिस डायरेक्शन से है वो उससे डिटेक्ट कर। घर की बात कर रहे हैं जी, तो घर में खुद ब खुद ही मोटर चलती है? हाँ, खुद ब खुद ही, वो बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी से ज्वाइन कर दें और वो जब पानी की जरूरत होगी वो देता रहेगा और अपने आप बंद हो जाएगा। जब पानी अपने अमाउंट तक पहुंच गया वो अपना, और जरूरी नहीं कि 100% पे ही स्टॉप हो, जितना उसको जरूरत है वो उतने पे भी स्टॉप हो सकता है। थैंक यू वेरी मच मैम।